नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाफ डे न्यूज। डेथ वारंट को मिल सकती है हाई कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद मुकेश कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्ली सरकार को दया याचिका भेजी है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में डेथ वारंट के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस पर बुधवार को अब सुनवाई होगी। इसमें उसने राष्ट्रपति व राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लंबित होने का हवाला दिया है। दिल्ली सरकार अब दया याचिका पर फैसला कर इसे उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजेगी। अधिवक्ता ग्रोवर के माध्यम से दया याचिका में मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी दया याचिका का संवैधानिक अधिकार निष्फल रह जाएगा। अगर दया याचिका खारिज हो जाती है तो फांसी देने से 14 दिन पहले उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। बता दें कि मंगलवार को हुई अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी थी। इस पर निर्भया की मां ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा था कि उनकी क्यूरेटिव याचिका खारिज हो जाएगी। वह चाहे जितनी भी याचिकाएं दायर करें, हम उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। मुझे भरोसा है कि 22 जनवरी को उन्हें फांसी होगी। वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि मैं उन चारों दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकते हुए देखना चाहता हूं। आपको बता दें, दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात पैरामेडिकल छात्र से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्र से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारों आरोपियों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है। उसके बाद भी निचली अदालत ने दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। देश की स्थिति कांग्रेस काल से भी ज्यादा खराब। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को अपना 64वां जन्मदिन जल कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति कांग्रेस काल से भी ज्यादा खराब हो गई है, भाजपा उससे भी दो कदम आगे है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तनाव और भय का माहौल है। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा मुखिया मायावती ने सबसे पहले काशीराम को याद किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की आलोचना छोड़कर देश हित और गरीबी हटाने का कार्य करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून उन सभी समुदाय के लोगों पर लागू होना चाहिए जिन पर जुल्म ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में अशांति और कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बीजेपी सरकार अगर कांग्रेस के रास्तों पर चलती रही तो धीरे धीरे अन्य राज्यों की सत्ता भी उसके हाथ से चली जाएगी। एक बार फिर से नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह बीएसपी के लोग विभिन्न स्तर पर हमारे संत गुरु महात्मा सर्जन हिताय व सर्व जन सुखाय के रूप में मनाते हैं। गरीब अति जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। मेरा जन्मदिन मनाने के लिए शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करती हूं। इस दौरान मायावती ने बसपा की ब्लू बुक मेरा संघर्षमय जीवन लॉन्च करी। मायावती ने कहा कि मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था बीमार हालत में है। 130 करोड़ जनता के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया है। देश भर में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी छाई हुई है। उन्होंने कहा कि देश भर में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। इस वजह से आम जनता का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यूएस में नए भारतीय राजदूत होंगे तरनजीत सिंह संधू। अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू नए भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी को दी है। वह हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह लेंगे, जो अब भारत में विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे। संधू के पास यूएन में भी काम करने का अनुभव है, साथ ही वह वॉशिंगटन में जाने माने चेहरे हैं। सूत्रों के अनुसार राजदूत की नियुक्ति से संबंधित फाइल को सक्षम अधिकारी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार को इसके बारे में आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। संधू 24 जनवरी 2017 से श्रीलंका में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त हैं। इससे पहले वे 2013 से 2017 तक वॉशिंगटन डीसी में भारत के दूतावास में मिशन के
उप प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। सन दो इससे पहले 1997 से 2000 के बीच में वॉशिंगटन डीसी में भारतीय मिशन में भी काम कर चुके हैं और आमतौर पर वह वॉशिंगटन डीसी सर्कल में जाने माने एक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। संधू को विदेश मंत्री एस जयशंकर का पसंदीदा माना जाता है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच नए रिश्ते बनाने में उनका अहम योगदान है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने 8 महिलाओं को दिया टिकट। चलिए आपको बताते हैं कौन है वो 8 महिलाएं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद कहा कि हमने 46 विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि 15 विधायकों के दोबारा मौके नहीं दिए जाने की बात कही है। वहीं 9 खाली सीटों के नामों के लिए उन्होंने कहा है कि हमने नए चेहरों को चुना है। महिला प्रत्याशियों के लिए उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार 6 महिलाओं को टिकट दिया था, वहीं इस बार हमने 8 महिलाओं को मैदान में उतारा है। बता दें कि दिल्ली में कई सीटों से महिलाओं ने चुनाव रण में ताल ठोकने के लिए अपने आवेदन दिए थे, जिससे 8 महिलाओं को चुना गया है। चलिए आपको बताते हैं उन 8 महिलाओं के नाम। मंगोलपुरी से राखी बिड़ला, शालीमार बाग से बदना कुमारी, पालम से भावना गौर, आर के पुरम से प्रमिला टोकस, कालकाजी से आतिशी, रोहतास नगर से सरिता सिंह, रजौरी गार्डन से धनवती चंदेला, हरिनगर से राज कुमारी टिल्लों। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस बार 8 फरवरी को होना है, वहीं मतगणना 11 फरवरी को होगी। वहीं मंगलवार को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। हालांकि नाम तय होने के बाद ही पार्टी की ओर से तय प्रत्याशी अब अपने नामांकन कर सकते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार मैदान में उतरने के लिए बेताब हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस तरह आपने चुनाव में बढ़त लेकर प्रत्याशी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए उतार दिए हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा भी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।